आज हम लोग क्लास 11 पाठ संबंध और फलन की प्रश्नावली 2.2 का परिचय या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए इसके अंतर्गत अब हमको संबंध के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो संबंध क्या होता है, ठीक ना, संबंध क्या है या संबंध किसके बीच में, किसके किसके बीच में होता है, ठीक ना, क्या होता है संबंध। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, संबंध व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं, ठीक ना। जैसे अगर व्यक्तियों के बीच में बात करें तो जैसे बोलते हैं राम श्याम से छोटा है, ठीक ना, या तो राम श्याम का छोटा भाई है, ये हो सकता है। जैसे शहर की बात कर लें तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो देखिए नई दिल्ली और भारत के बीच में यही संबंध हो गया, ठीक ना। जैसे व्यक्ति में एक और उदाहरण ले लें, जैसे मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार व्यक्तियों के या वस्तुओं के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है। इसी प्रकार अगर गणित में बात करें तो इसमें गणित है तो संख्या हुई, तो लिखेंगे संख्याओं के बीच में विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। जैसे अगर एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, ठीक ना, या एक संख्या दूसरी संख्या का वर्ग है, ऐसे ले सकते हैं। या एक उदाहरण और ले लें कि जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, तो इस प्रकार संख्याओं के बीच में विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक ना। हमें यहाँ पर जो संबंध पढ़ना है वो पढ़ना है कि समुच्चयों के अवयवों के बीच, ठीक ना, जो हमने अभी तक समुच्चय पढ़ा उसमें जो हमें मिला अवयव जो हैं, ठीक ना, तो जो अवयव मिले विभिन्न प्रकार एक या दो समुच्चय हैं उनके जो अवयव हैं उनके बीच के दो अवयवों के बीच में या विभिन्न समुच्चयों के अवयवों के बीच जो संबंध होता है उसको निरूपित करने के लिए हम जिस संरचना का प्रयोग करते हैं उसे ही संबंध कहते हैं, ठीक ना। तो अब इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। संबंध में जैसे हमने बताया कि व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, वस्तुओं के बीच में विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक ना, विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक ना। जैसे हमने कई एग्जांपल लिया इसका, तो हम सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि समुच्चयों के अवयवों के बीच जो संबंध होता है उनको हम कैसे देखेंगे, ठीक ना। तो हम देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर कि समुच्चयों के अवयवों के बीच संबंध को निरूपित करने के लिए जिस संरचना का प्रयोग करते हैं उसे संबंध कहते हैं, ठीक ना, संबंध कहते हैं। सिंपल ये रिलेशन का परिभाषा हो गया, ठीक ना। अभी हम आगे इसको इनके समुच्चय और अवयवों के रूप में हम इसको परिभाषित करेंगे भी संबंध को, ठीक ना। पहले आप इतना सरल भाषा में समझ लीजिए। तो अब देखिए अगर हम इसमें एक अवयव ले लें, समुच्चय ले लें जिसके अवयव 1, 2, 3 हैं, ठीक ना, और अगर हम एक दूसरा समुच्चय ले लें जिसके अवयव 4, 5, 6 हैं, ठीक ना। तो अगर दो समुच्चय हैं तो अब हम देखेंगे कि इस समुच्चय का ये जो अवयव हैं इनका
इस समुच्चय के अवयवों के बीच, ये जो अवयव हैं इन दोनों के बीच जो संबंध हैं उन्हीं संबंध को ही हम यहाँ देखेंगे। तो अगर हम इनका कार्तीय गुणन ज्ञात कर लें तो देखिए, जैसे कार्तीय गुणन है तो इसके पहले देख लेते हैं, अगर जैसे हमने यहाँ पर 1, 4 लिखा, ठीक ना, तो एक इस एक का इस चार के संग कुछ संबंध है, ठीक ना। तो हमने इसको एक जैसे ये क्रमित युग में लिखा है, जैसे ये देखिए क्रमित युग में लिखा है, क्रमित युग में, ठीक ना, ऑर्डर्ड पेयर लिखा है। इसमें पहले समुच्चय के पहला ये जो घटक है ये पहले समुच्चय का है और ये जो दूसरा घटक है वो दूसरे समुच्चय का है। तो इसमें एक और चार में जो संबंध है, ठीक ना, ये हमको ये क्रमित युग्म शो कर रहा है, दिखा रहा है। इसी प्रकार अगर एक का 5 के संग संबंध लिखें, एक का 6 का, तो देखिए ये जो बन रहा है ये क्रमित युग्म हमने अभी तक पढ़ा है, मगर अगर अब हम संबंध पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से अब देखिए ये जो है ना 1, 5, तो ये 1 और 5 के बीच का संबंध को दिखा रहा है, ठीक ना। वो संबंध कुछ भी हो सकता है, जैसे कह सकते हैं कि ये इसका अगर 5 गुना करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, एक प्रकार के संबंध हो गया, ठीक ना, इन दोनों के अवयवों का बीच में जो संबंध है वो हो गया। इसी प्रकार 1, 6 और फिर 2, 4 लिखें, 2, 5 लिखें, 2, 6, ठीक ना। इसी प्रकार 3 का 4 के संग संबंध हो सकता है, 3 का 4 के संग, 3 का 5 के संग और 3 का 6 के संग संबंध हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के अवयवों के बीच के संबंध को हमको ये दिखाता है। अब देखिए ये है क्या चीज़, तो ये है अपना A×B, ठीक ना। तो ये सभी A×B में हैं। तो हमको ये पता चला कि जो हम अभी तक कार्तीय गुणन ज्ञात करते थे वो विभिन्न अवयवों के बीच संबंधों को ये दिखाता है, ठीक ना। तो अब देखें इसमें, देखिए ये जो हमको इसमें प्रत्येक, अब इसको भी याद रखिए कि अगर इसमें जो हमको क्रमित युग्म मिले हैं वे ये समुच्च ए के अवयवों का से समुच्च बी के अवयव में संबंध को दिखाते हैं ये, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा, क्रमित युग्म, ये जो क्रमित युग्म मिले हैं ये क्या हैं, तो लिखेंगे समुच्च ए के अवयवों से समुच्च बी के अवयवों का संबंध है ये, ठीक ना। तो हमको ये क्रमित युग्म ये समय में आया। अब देखिए हम कुछ संबंध देखते हैं, जैसे इन दोनों के अवयवों के बीच में कुछ कई प्रकार के संबंध होते हैं। हम एक संबंध लिखते हैं, जैसे देखिए कोई संबंध दिखाने के लिए हम लिखे, देखिए पहला संबंध, एक संबंध, तो हम एक संबंध R1 लिखा और ये क्या है, A के अवयवों से B के अवयवों का संबंध है, ठीक ना। इस प्रकार हम इसको R1 A to B लिखते हैं। तो हम इसको परिभाषित करते हैं R1 को, कि R1 क्या है, तो ये एक ऐसा क्रमित युग्म है, ठीक ना, कि जिसमें Y बड़ा हो X से और X अवयव हो A का और Y अवयव हो B का, ठीक ना। तो हम इसको अब देखिए, हमने समुच्चय निर्माण रूप में एक संबंध लिखा, अब हम इसका सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे, ठीक ना, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे या रोस्टर फॉर्म में बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो दूसरा इस वाले क्रमित युग्म का जो दूसरा घटक है वो पहले घटक से बड़ा है, तो हम इनमें से वो सभी क्रमित युग्म को लिखेंगे यहाँ पर, तो हमको ये R1 के अवयव ज्ञात हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्रमित युग्म आएंगे, दूसरा घटक पहले से बड़ा है, देखिए ये बड़ा है, ये भी बड़ा है दूसरे से, देखिए 5 2 से बड़ा है। इस प्रकार अगर ये देखिए सभी जो देखिए इस A क्रॉस B के अवयव हैं, ठीक ना,
तो ए क्रॉस बी के सभी अवयव इस आर वन में आ रहे हैं, तो हम लिखते हैं इसमें एक चार, एक पाँच, एक छः, दो चार, दो पाँच, दो छः, तीन चार, तीन पाँच और तीन छः, ठीक ना। तो देखिए ये ऐसा ही एक ऐसा संबंध ही हमने लिख दिया जिसमें ए क्रॉस बी के सभी अवयव ही आ गए, ठीक ना। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई रिलेशन लिखें, है ना, संबंध रिलेशन लिखें तो इसमें ये सभी अवयव इसके अंदर आ जाएं, ठीक ना। देखिए अवयव और क्रमित युग्म में यहाँ मतलब डाउट मत होइएगा कि अगर हम जब ये समुच्चय लिख रहे हैं तो इसके अंदर जो भी लिखा है ये क्रमित युग्म इस ए क्रॉस बी के अवयव हैं, ठीक ना। और अगर हम इसमें क्रमित युग्म में बोलें तो देखिए एक चार एक क्रमित युग्म है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसके इसके लिए अवयव और या फिर इसको हम क्रमित युग्म कह सकते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी के सभी अवयव इसके अंतर्गत आ गए, ठीक ना। अब देखिए एक संबंध और लिखते हैं, देखिए आर टू बराबर एक्स वाई इस प्रकार हो कि वाई बराबर एक्स प्लस थ्री, जहाँ एक्स अवयव हो ए का और वाई अवयव हो बी का, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा हमने, देखिए दूसरा घटक जो पहले घटक से तीन ज़्यादा हो, तो इसमें देखिए इसको टेबलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म लिख के देखते हैं कौन कौन से क्रमित युग्म इसमें आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ एक रखें तो देखिए यहाँ पर एक रखें तो क्या आएगा, चार आएगा। अगर यहाँ पर हम दो रखें तो यहाँ पाँच आएगा। अगर यहाँ तीन रखें तो छः आएगा, ठीक ना, तीन तक ही है इसमें। तो इस प्रकार ये आ गया, ठीक ना। इसके बाद देखिए हम इसके आगे लेके जा नहीं सकते क्योंकि देखो जो यक्स वाला है, यक्स वाला जो है ए का अवयव है, ठीक ना। तो यक्स का अवयव देखिए एक दो तीन है ना, मतलब तीन ही अवयव हैं, एक दो तीन, इसलिए हमने एक दो तीन रखा। उसी के सापेक्ष हमने वाई का मान ज्ञात कर लिया इसके फॉर्मूले से। यहाँ वन रखा तो फोर आ गया, टू रखा तो दो और दो रखा तो पाँच आ गया, ठीक ना, और तीन रखा तो छः आ गया। तो इस प्रकार ये आर टू हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए एक संबंध और लिखते हैं, आर थ्री लिखते हैं। तो देखिए आर थ्री बराबर जैसे लिखे एक क्रमित युग्म इस प्रकार है कि वाई बराबर यक्स प्लस ये फोर है, जहाँ यक्स अवयव है ए का और वाई अवयव हो बी का, ठीक ना। तो अब देखिए इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा इस संबंध का। तो इस संबंध में देखिए यहाँ यक्स का मान एक रखते हैं तो चार और एक पाँच, ठीक ना। यहाँ दो रखेंगे तो चार दो छः, यहाँ तीन रखेंगे तो चार तीन सात आ रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसके तीन अवयव प्राप्त हो गए हमें। तो ये इस प्रकार ये आर थ्री हो गया, ठीक ना। अब हम एक और संबंध स्थापित कर देखिए लिखते हैं, इसको लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं आर थ्री ए टू बी में, ठीक ना। यहाँ आर टू का छूट गया तो यहाँ लिख लेंगे आर टू ए टू बी में, है ना, मतलब ए के अवयवों का या से बी के अवयवों का संबंध हम बता रहे हैं, ठीक ना, ए टू बी में। तो यह रखें, अब लिखेंगे एक संबंध और लिख लेते हैं। तो लिखा ए टू बी लिखा, तो इसमें आर फोर हम इस प्रकार लिख रहे हैं, देखिए यक्स और वाई इस प्रकार हैं कि वाई बराबर या तो लिख सकते हैं यक्स ग्रेटर देन वाई, जहां यक्स अवयव हो ए का और वाई अवयव हो बी का, ठीक ना। तो अब देखिए इसका टेबलर फॉर्म में इसका क्या बनता है आर फोर। अब हमको ऐसे क्रमित युग्म में इसमें से लिखना है ए क्रॉस बी में से जिसमें पहला घटक दूसरे घटक से बड़ा हो, ठीक ना। तो इस वाले में अगर आप देखें तो इसमें कोई भी ऐसा कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए इसमें सभी लोग पहला घटक दूसरे घटक से छोटा है और इसमें हमको चाहिए पहला घटक दूसरे छोटे घटक से बड़ा। तो इस प्रकार हमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा।
तो इस रिक्त समुच्चय को हम यहाँ फाई लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें इस प्रकार, हमने तो यहाँ चार संबंध स्थापित किया या देखा उसको, ठीक ना, तो वो सभी संबंध हमको इस ए क्रॉस बी के अंदर ही प्राप्त हो रहे हैं, ठीक ना। अगर ए और बी का ए क्रॉस बी निकालें तो देखिए ये जो आर वन संबंध किया तो इसके तो सभी अवयव ही इसी से प्राप्त हो गए, और अगर आर टू ज्ञात किया तो देखिए ये तीनों अवयव इसमें उपस्थित हैं, इस आर थ्री के भी तीनों अवयव इसके अंतर्गत उपस्थित हैं, और फाई देखिए आर फोर है तो फाई तो हर किसी का एक समुच्चय तो होता ही है, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं कि जो ए और बी के अवयव को लेकर जो संबंध हम बनाएंगे वो सभी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी संबंध अगर हम बनाएं तो वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय तो रहेगा हमेशा, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं आर वन उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, इसी प्रकार R2 उपसमुच्चय है A क्रॉस B का, R3 उपसमुच्चय है A क्रॉस B का, R4 है ना, देखिए फाई है तो फाई हर किसी समुच्चय का, देखिए ये भी एक समुच्चय है, हर किसी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, इस प्रकार A क्रॉस B का ये उपसमुच्चय हो गया, ठीक ना। तो देखिए इस R3 में थोड़ा एक यहाँ गलती हो गया है, जैसे देखिए एक दो तीन ये पहले समुच्चय के अवयव हैं और पाँच छः सात, तो पाँच छः ठीक ना, ये सात अवयव ये जो घटक है ये समुच्चय बी में नहीं है, इस प्रकार यह क्रमिक युग्म ये नहीं आएगा इसमें, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए हम अब जो इतना हमने देखा उसके आधार पर अब हम संबंध का परिभाषा ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो हमें परिभाषा एनसीईआरटी की बुक का ही लिख रहा हूँ, देखिए क्या है इसमें परिभाषा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, तो ये है परिभाषा। देखिए संबंध, ठीक ना, रिलेशन, तो रिलेशन क्या है लिखेंगे, किसी अरिक्त, किसी अरिक्त समुच्चय ए, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, में संबंध कार्तीय तल या कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का, बी का एक उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है जो कार्तीय गुणन के क्रमित युग्मों के प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो ये परिभाषा हो गया। और देखिए इसका क्या है, किसी और ए से बी, देखिए ए से बी में संबंध, ठीक ना, इसी को ए टू बी सब बोलते हैं। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, देखिए हमने अभी चार संबंध लिखा, वे सभी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय हो गए जो कार्तीय गुणन के क्रमित युग्मों के प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य जो संबंध स्थापित करेंगे, जो हमने ये रिलेशन लिख रहे थे ना, ये
यही हम संबंध स्थापित कर रहे हैं यक्स का वाई के संग, ठीक ना। तो यही है कि स्थापित जब करेंगे तो हमको ये संबंध आर वन आर टू आर थ्री इस तरह का हमको प्राप्त होगा। तो ये हो गया संबंध का परिभाषा। अब इसके आगे देखेंगे तो देखिए नया टॉपिक है किसी संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत, ठीक ना, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक ना। तो इसके लिए मैंने देखिए जो चार संबंध हमने बताया था, ये चारों संबंध को हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ लिख लिया है। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्रांत। तो देखिए प्रांत क्या होता है, तो हम इसका पहले परिभाषा देख लेंगे। इसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन। तो लिखेंगे किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे इसमें देखिए इस संबंध R1 में इसमें जो भी जितने भी क्रमित युग्म दे रखे हैं उनके प्रथम घटक को ले लेंगे और उनका एक समुच्चय बना देंगे। तो हमको लिखेंगे देखिए R1 का प्रांत क्या हो जाएगा, का प्रांत। तो इसमें देखिए प्रथम घटक ले लेंगे एक, फिर दो, फिर तीन, है ना। प्रथम घटक को लेना है बस, पहले घटक को, ठीक ना। पहले घटक को ले लिया तो ये हमको R1 का प्रांत का बन, सभी प्रांत हमने लिख लिया। इसी प्रकार R2 का प्रांत क्या हो जाएगा, तो देखिए R2 का प्रथम घटक एक दो तीन हो गया। फिर R3 का प्रांत, R3 में देखिए एक और दो है, और R4 का प्रांत इसमें कोई अवयव नहीं है तो इसलिए यहाँ भी ये फाइव हो जाएगा, ठीक ना। तो ये R1 का प्रांत, देखिए हमको याद रखना चाहिए कि प्रांत किसे कहते हैं, और फिर इसके बाद परिसर और सहप्रांत, है ना। तो हमको जब भी किसी संबंध का मिलेगा तो उसका हम सबको ज्ञात करना रहेगा। तो प्रांत, परिसर, सहप्रांत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ये प्रांत हो गया, इसके बाद अगर हम देखें तो परिसर देखते हैं। तो परिसर देखिए, परिसर को रेंज बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो लिखेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक, है ना, दूसरे घटकों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहेंगे, है ना। तो ये परिसर कहते हैं। तो हम इसमें देखिए R1 का परिसर ज्ञात कर लेंगे, R1 का परिसर, का परिसर। तो देखिए इसका अब R2 का जो भी क्रमित युग्म है उसके दूसरे घटक देखेंगे। तो चार पाँच छः, मतलब हमको क्या प्राप्त हुआ, पुनरावृत्ति नहीं होगी तो हम लिखेंगे चार पाँच, ये छः हो गया। इसी प्रकार R2 का परिसर
तो R2 का परिसर क्या है, 4, 5, 6 है ना, द्वितीय घटक लिखेंगे तो 4, 5, 6। फिर R3 का परिसर, इसमें जाएगा 5 और ये 6, ठीक ना। और यहाँ R4 का परिसर क्या हो जाएगा, तो वही चीज़ कुछ है नहीं अभियोग, तो ये भी हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए परिसर हो गया, अब एक बचा है इसमें, क्या बचा है, सह प्रांत। तो लिखेंगे सह प्रांत, इसको बोलते हैं कोडोमेन, सह प्रांत कोडोमेन। तो इसको क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय बी को, समुच्चय बी को संबंध आर का सह प्रांत कहेंगे, सह प्रांत कहते हैं, ठीक ना। देखिए आर इसमें आर बी नहीं लिखा है, देखिए जिससे ये संबंध हमने बनाया, तो देखिए एक समूह था ए 1, 2, 3 और बी कितना था, 4, 5, 6 था, ठीक ना। तो जो दूसरा समुच्चय है ना, वही यहाँ पर सह प्रांत कहलाएगा, ठीक ना। तो जैसे हम लोग संबंध लिखते हैं, संबंध A2 B लिखते हैं, तो ये जो दूसरा वाला समुच्चय है ना, वही इसका सह प्रांत कहलाएगा, ठीक ना। एक चीज़ और रह गया इसमें, तो यदि देखिए अगर हम इस समुच्चय के किसी भी क्रमित युग्म, या कह सकते हैं किसी भी समुच्चय, किसी भी संबंध के किसी भी अवयव को अगर हम ले लें, देखिए एग्जाम्पल जैसे 1, 5 ले लिया हमने, तो ये 1 और 5 लिखा, तो देखिए इसको हम इमेज बोलते हैं और इसको प्री इमेज बोलते हैं, ठीक ना। तो इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब, और प्री इमेज को बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए 1 का प्रतिबिंब क्या है, 5 और 5 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। तो इसमें R1 से कोई भी संबंध का अगर हम टेबुलर फॉर्म में या कुछ भी संबंध लिखें, तो जो भी हमको क्रमित युग्म में मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, उसका प्रथम घटक को पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे और दूसरी घटक को प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार ये टॉपिक हो गया। अब इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी हैं, उसको हम देख लेते हैं। संबंध को निरूपित करने की विधियां, ठीक ना। तो विधियां कौन कौन सी हैं, तो पहला विधि है रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप इसी को बोलते हैं, या टेबुलर फॉर्म इसी को बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक ना, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। अब लिखेंगे तीर आरेख, इसी को बोलते हैं एरो डायग्राम, है ना। तो देखिए इसमें रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में, देखिए ये जो संबंध हमने लिखा है ये सब टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, और समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे इस R1 का हमने लिखा था पहले वाले में, क्या था, इस प्रकार था A एक्स वाई में लिखा था, तो एक्स वाई लिख देंगे, एक्स वाई इस प्रकार क्रमिक युग में है कि एक्स पहला वाला था, वाई बड़ा है एक्स से, और एक्स अवयव है ए का और वाई अवयव है बी का, तो इस प्रकार इसका ये समुच्चय निर्माण रूप आ गया था। और इस R2 में लिखे थे यक्स वाई इस प्रकार क्रमित युग्म है कि वाई बराबर यक्स प्लस 3 और यक्स ए का अवयव है और वाई बी का अवयव है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये
इसके समुच्च निर्माण रूप लिखे हुए थे, ठीक ना। अब तीर आरेख क्या होता है एरो डायग्राम में, जैसे अगर हम R1 का लिखेंगे, R1 का A टू B में लिखेंगे, तो देखिए ये इसका हम ये इस तरह बना लेते हैं, ये समुच्च A का हो गया, ये समुच्च B का हो गया। तो समुच्च A में क्या था, एक दो तीन चार पाँच छः, और देखिए R1 में A का चार से है, फिर A का पाँच से, A का छः से, दो का चार से, दो का पाँच, दो का छः, तीन का चार, तीन का पाँच और तीन का छः। तो इसी को बोलते हैं तीर आरेख। अगर इसी प्रकार R2 का दिखाएं, तो R2 का A टू B रिलेशन क्या हो गया, तो देखिए ये रहा A और B, A B एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए इसमें क्या है, एक का चार के संग, तो एक का चार के संग, दो का पाँच के संग और तीन का छः के संग, ठीक ना। तो इसको मैपिंग कहते हैं, एक का मैपिंग फोर के संग हुआ है, आर थ्री का, तो देखिए आर थ्री ए टू बी रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये बनाया, फिर इसको बनाया, ए लिखा बी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो एक का पाँच के संग, एक का पाँच के संग और दो का छः के संग, ठीक ना। तो इसका ये हो गया। आर फोर में देखिए फाइव है ना, तो आर फोर इक्वल टू फाइव में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ए का बी के संग, ठीक ना, कोई मैपिंग ही नहीं होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स खाली है ये, ठीक ना। तो इस प्रकार ये रिक्त समुच्च ये फाइव हो गया। तो इस प्रकार संबंध को निरूपित करने की हमने विधियाँ देख लिया, अब कुछ टिप्पणी हैं उनको हम देख लेंगे, फिर इसका इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं, ठीक ना, उसको देखते हैं। देखिए पहला है, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की, उपसमुच्चयों के कुल संख्या के, कुल संख्या के बराबर होती है, ठीक ना। देखिए जैसे अगर मान लिया समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p है और समुच्चय b में अवयवों की संख्या q है, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या तुमको प्राप्त हो जाएगी p गुणे क्यों की। और अगर हम बोलें कि कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने प्रकार के संभव होंगे, संबंधों की संख्या बराबर, तो लिखेंगे उपसमुच्चयों की, उपसमुच्चयों की कुल संख्या के बराबर, उपसमुच्चयों की कुल संख्या, ठीक ना, के बराबर होगा। और उपसमुच्चय कैसे निकलेंगे, तो देखिए अगर इसमें कुल अवयव है ना, ए क्रॉस बी में कुल अवयव पी गुणे क्यू है, तो उपसमुच्चय दो के घात पी गुणे क्यू प्राप्त होता है, ठीक ना। एक पॉइंट और है, देखिए इसमें लिखें ए से, ए में संबंध, ए में संबंध को ए पर संबंध सीधे लिखते हैं, ठीक ना, ए पर संबंध कहते हैं, ठीक ना। जैसे जैसे नहीं लिखते, जैसे रिलेशन हो ए टू ए, ठीक ना, समुच ए का, ए समुच ए के अवयवों का, समुच ए के अवयवों के साथ ही संबंध हो, तो हम इसको ए से ए में संबंध नहीं, हम सीधे इसको बोलेंगे ए पर संबंध है। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 करेंगे।